जहाँ हम खड़े हैं ये हनुमान अखाड़ा के नाम से हैं। एक बैजा पंडित होया है यहाँ, भारत के श्री पहलवान था इस अखाड़ा का, हनुमान अखाड़ा जो 300 साल पुराना अखाड़ा है, तो मतलब विरासत है ये तो हमारी। हम करने वाले नहीं है, एक तो हमारे हनुमान जी और एक साथ में उनके ये भक्त जो हैं। और जितने भी हिंदुस्तान के अच्छे पहलवान थे, जैसे जगविंदर था, करतार था, राजेंद्र था, यहाँ हनुमान अखाड़ा के बच्चे तभी ग्रोथ करेंगे, इनको नई सुविधाएं मिलेंगी। पहलवान होते हैं नहीं, वहाँ के लंगोट बांध के जोर करते हैं, बहन बेटियाँ हमें मन अंदर पढ़ना पड़ता है जी। उसकी चार दीवारी भी लाजमी होनी चाहिए यहाँ, मतलब अकेडमी बन जाए जिसमें कि बच्चे यहाँ मैट पर प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि लड़कियाँ हैं वो नहीं कर सकती ऐसे खुले में। मैं रात का खाना छोड़ देता हूँ, दिन का तरमता आराम छोड़ देता हूँ सिर्फ खाड़े के लिए। और दाव पेचे भगवान की दया इतनी याद है, 300 दाव पेचे याद है मेरा, इसे पहलवान के नहीं है। हनुमान अखाड़ा का कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए जी। इसके दिनों में यहाँ पे कम 3-3 महीने अखाड़ा बंद हो जाता है, जिसके कारण सभी बच्चे का मनोबल टूट जाता है और वो आ नहीं सकते फिर अखाड़े में। अगर की सरकार सुविधाएं देती नहीं मेरे को, और भी तरमता अच्छे पहलवान तैयार करके मैं तरमता इंडिया का नाम रोशन करता हूँ। यहाँ पे एक अकेडमी का भी रूप दिया जाए, नहीं ज़्यादा बड़ी कर सकते, छोटी जरूर कर दे। नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और इस समय 11 रुद्री मंदिर के पीछे 300 साल पुराने हनुमान अखाड़े में हम मौजूद हैं, जिनके उस्ताद, जिनको चलाने वाले 73 साल की उम्र उनकी है, मदन सैनी जिनका नाम है। और ये बड़ों बड़ों को, अच्छे अच्छे नौजवान युवाओं को मात देने का मादा रखते हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ हर उम्र का पहलवान मौजूद है, लड़कियां भी यहां पर हैं। और आप देख सकते हैं कि इन पहलवानों की आंखों में उम्मीद, सपने, देश का नाम रोशन करने का जज्बा तो है ही है, साथ में एक उम्मीद भी है। वो उम्मीद क्या है, हम पहलवानों की जुबान से ही सुनेंगे। इनके उस्ताद मदन सैनी, इनसे हम जानेंगे कि इनकी मांग क्या है। आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं सर? सब इकट्ठे इस वास्ते हुए हैं कि हमारा खाड़ा का, हनुमान खाड़ा का कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए जी। यहाँ कोई भी सुविधा ही नहीं है जी। अकेडमी है, कितना तमाम वो है, आधुनिक रूप आप इसको देना चाहते हो जी, इस तरीके से आज नए दौर में पहलवान तैयार होते हैं उस तरीके से, जैसे गद्दा पे भी जोर हो हाँ जी, और मट्टी पे भी जोर हो, मतलब तो गद्दा पे जितने जोर होते हैं, जितनी गवर्नमेंट की कुश्ती होती है, सारा गद्दा के ऊपर होती है। हमारा जैसे खाड़ा ये दंगले में होता है, मतलब इसके दंगले में प्रयोग होता है, उसका जन्म तक जितनी गवर्नमेंट की कुश्ती होती है गद्दा के ऊपर होती है, जो बड़े बड़े जो चैंपियनशिप होती है, ओलंपिक वाली वो गद्दा भी जरूरी है मतलब खाड़े के लिए। अच्छा जी, तो अब बस्ती के बीच में जो अखाड़ा है, बस्ती तो बाद में बसी होगी, 300 साल पुराना है, लेकिन अब आपको क्या दिक्कत आ रही है बस्ती के बीच में? दिक्कत ये आ रही है कि जो पहलवान होते हैं नी, वहाँ एक लंगोट बांध के जोर करते हैं जी सर, लंगोट बांध के यहाँ भी बस्ती के बीच में बहन बेटी सभी की एक है, मतलब जी वो माने दिक्कत आती है, कितने बहन बेटियाँ हमें मन अंदर पढ़ना पड़ता है जी। उसकी चार दीवारी भी लाजमी होनी चाहिए यहाँ, मतलब ताकि माने दिक्कत ना आवे लंगोट बांधने में, जैसे दौड़ लगाने में, बैठने में, वर्जिश करने में, वो तरमतम बात दिक्कत खत्म होनी चाहिए चार दीवारी करके जी। मदन सैनी पहलवान 73 साल की उम्र, जायज मांग, अनौपचारिक मांग हम इसको नहीं कहेंगे, ये अखाड़े की जरूरत है और जो बस्ती है उसके लिहाज से भी ये मांग कहीं ना कहीं जायज लगती हुई। तो आप किसी मंत्री संतरी के पास गए कि भाई यहाँ पे सेट बनाना चाहिए या पहलवानों को? हाँ जी, कई मंत्री के पास गए, सिर्फ आश्वासन दिया, मिट्टी गोली दिन दे रहे, आहो जी करेंगे, ये करेंगे, फलानी करेंगे। और दूसरी और रहते नमता बात वो कहने लगे कि हमारे पास रहो, आप हमारे पास आओ जाओ। और हमारे पहलवान को कहीं गलत भी इस्तेमाल करते हैं, जो सा हनुमान खाड़ा नहीं, तनमता एक साफ सुथरा, वो किसी की तरह राजनीति में नहीं है ना, तनमता बात कोई उल्टे काम है, मतलब हाँ जी हाँ जी, हमारी सिर्फ पहलवानी करनी है। मैं 74 में और 80 में दो दफ़ा अपने वेट में फर्स्ट आया, मतलब अच्छा जी हाँ जी, हरियाणा में 3-4 दफ़ा फर्स्ट आया, मतलब अच्छा जी। तो मन ने पलेदारी कर करके पहलवानी करी और तरमता हिंदुस्तान का नाम रोशन करया। आज मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए तरमता कोई सुविधा नहीं मिल रही, मतलब सरकार की तरफ से जी। तो हम भी, चाहे पुरातत्व विभाग हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, सभी से अपील करते हैं कि इस अखाड़े का रूप बदलना चाहिए। आधुनिक दौर में, आज के बदलते दौर में इस अखाड़े को भी बदलने की आवश्यकता है। तो और भी हमारे साथ पहलवान मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। मिस्टर कैथल रिंकू सैनी, आप सभी जानते होंगे, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सबसे पहले सभी मेरे जो कैथल ब्रेकिंग टीवी दर्शक, उनको मेरी राम राम।
मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो इतने बड़े बड़े पहलवान आते हैं, पहलवान जी रहे हैं जो कि भारत केसरी तक इन्होंने खिताब जीता है, ये बच्चे हैं जो आते हैं, तो यहाँ सुविधा नहीं है पूरी तरह से। हम चाहते हैं जैसे कोई बिल्डिंग तैयार हो, उसके अंदर जोर हो, अकेडमी का रूप हम चाहते हैं सरकार से, ताकि बच्चे बहुत आगे तक जाएं, और अपने जिले का, देश का नाम रोशन करें। स्टेडियम का रूप बच्चे क्यों नहीं करते? स्टेडियम तो बहुत दूर पड़ जाता है, यहाँ हमारा जो बीचों बीच है, मतलब चंदाना गेट है ना जो एरिया, यहाँ की जैसे लड़कियाँ दूर इतनी नहीं जा सकते, मतलब बहुत दूर है, तो घरवाले नहीं अलाउड करते, तो इसलिए पास की पास में यहाँ सब आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं अस्तित्व भी खाड़े का हाथ में, आपके हाथ में। हाँ, जो 300 साल पुराना अखाड़ा है, तो मतलब विरासत है ये तो हमारी, जो पहलवान जी की, संजोए रखना। हाँ, इसको आपने संजोए रखा। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जाने की कोशिश करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, आप यहाँ पे आते हो, आते हैं कुश्ती देखते हो? हाँ। हर वर्ग का पहलवान यहाँ पे है। आपको कैसा लगता है कि क्या, किस तरीके से बच्चे चला रहे हैं, क्या क्या कठिनाई? बहुत साफ सुथरा काम है जी, कोई बदमाशी नहीं, कोई रौला नहीं, बच्चे अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। 2900 गज का खाड़ा है ये, थोड़ा बहुत रसोई दा जितनी मिल जा, थोड़े एरिए में बन जा, छप जा, छप्पर पड़ जाए, इनका हो जाएगा। अच्छी बात है। हाँ जी, मतलब ये अपने लेवल पे ही इन्होंने मतलब व्यवस्था की हुई है। हाँ, ठीक है जी, कोई सरकार का कोई हाथ नहीं है इसके अंदर, कोई हाथ नहीं है जी अभी जी। तो हमारे साथ यहाँ पर सर, नाम क्या है आपका? सुधीर सैनी। सुधीर जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर, इस मांग को लेकर? अखाड़े में जैसे आज जो नई तकनीक है, उसके हिसाब से आज कुश्तियाँ होती हैं, तो युवा बच्चे हैं आज के नई दौर के हैं, उसके हिसाब से होनी चाहिए। जैसे अब पॉइंट ऑफ कुश्ती होती है जी, पहले जोर आजमाइश की होती थी, लेकिन आज पॉइंट ऑफ हिसाब से होती है, बच्चे तभी ग्रोथ करेंगे, इनको नई सुविधाएँ मिलेंगी। सर, आपका नाम भी? सर, ये जहाँ हम खड़े हैं, ये हनुमान खाड़ा के नाम से हैं, और इनकी देख रेख आज तक मदन लाल जी सैनी, जो हमारे बुजुर्ग हैं, आज 73 साल के हो चुके हैं, वो कर रहे थे जी। उन्होंने अपने प्रयासों से बहुत पहले भी बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ सिवाय आश्वासन के। आज हमारे मिस्टर कैथल जो रिंकू सैनी जी है, उनके नेतृत्व में और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मदन लाल सैनी जी के आशीर्वाद से, हमने आज ये आपके बीच इसीलिए आपको बुलाया है कि यहाँ सुधार किया जाए। हाँ जी, एक उम्मीद। हाँ जी। मीडिया का सहारा लिया कि आवाज़ सुनी जाए, पब्लिक के बीच में आए, कहीं ना कहीं सरकार पर या अधिकारियों पर दबाव बने और इसका जो है कायाकल्प हमें देखने को मिले, और एक अच्छी कुश्ती, और यहाँ के जो पहलवान हैं उम्मीद करते हैं कि देश का नाम रोशन करने में सक्षम है, लेकिन उनको वो सारी सुविधाएं मिले जो एक एकेडमी में होती हैं जी। नाम क्या है सर आपका? मैं गोपाल सैनी, पार्षद। पार्षद गोपाल सैनी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके वार्ड में उपस्थित, आपने कभी मांग रखी या कभी गए? ये आप सब कुछ काफ़ी सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं, तो आपका अहम रोल होगा आज के बयान में। इस बात से पहले मैं एक बात की बधाई देना चाहूँगा हमारे रिंकू सैनी जी को और मदन जियों को, कि आज तक रिंकू जियों ने ये हमारा नए जमाने के लिए आइडियल है हमारे लिए, हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये जिस काम में भी लग जाते हैं उसमें पूरी लगन से लगते हैं और वो कामयाबी हासिल करते हैं। आज रिंकू जी लगे हैं और उसके बाद हम सभी के उस्ताद हमारे मदन जी, इसमें इन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि यहाँ का एकेडमिक रूप में देना, यकीन मानिए आने वाले दौर में जब आप देखोगे तो यहाँ एकेडमी बनी मिलेगी, और ये हुआ मिलेगा क्योंकि इनके पास इतनी पोटेंशियल, इतनी आत्मबल इतना है इनके अंदर, ये हर काम में सिद्धि हासिल कर लेते हैं, और भगवान हनुमान जी का इनके ऊपर आशीर्वाद है। आने वाले समय में मैं इनको बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ये अच्छे काम की शुरुआत करी, और आने वाले समय में बिल्कुल कामयाब हो, इस काम में ये कामयाब हो गए। और रही बात ये टाइम दर टाइम यहाँ के लिए कुछ डिमांड्स रखी गई थी, हो भी गई, पास हाउस में पास भी है डिमांड, बस लगने में एक पहले, अब कोरोना आ गया, पहले कुछ नगर परिषद में कुछ उतार चढ़ाव रहे, उनके भेंट चढ़ते रहे, आने वाले समय आपने आगे प्रस्ताव रखा है इस एकेडमी का? एकेडमी का प्रस्ताव है जो कि हाउस में पास भी है, ये कोशिश रहेगी, ये जो इन्होंने सोचा है, हम करने वाले नहीं है, एक तो हमारे हनुमान जी और एक साथ में उनके ये भक्त जो हैं, इनके अंदर आत्मबल इतना है कि ये जो सोचते हैं वो कर जाते हैं, इनके लिए मैं अपनी तौर से इन्हें बधाई देता हूँ, आने वाले समय में ये ऐसा कुछ कर पाएंगे और यहाँ का, हमारे इस साइड का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। MC साहब के चंद शब्द शायद हौसला का रूप बने। नाम क्या है आपका? राधिका। आप यहाँ पे एकेडमी में अखाड़े में आते हो, कितने दिन से आप आ रहे हो? तीन चार दिन से आपने शुरू किया है।
आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? यहाँ पे गद्दे होने चाहिए और भी बहुत कुछ होना चाहिए। अकेडमी का रूप आप देखना चाहते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आप आगे बढ़ सकते। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? मैं 8th। उम्र क्या है आपकी? 12। तो आप देख सकते हैं इन बच्चियों का हौसला, उम्मीद और सपने कहीं ना कहीं सरकार की आंख या अधिकारियों की आंख खोलने का काम जरूर करेंगे। आपके लिए क्या कुछ फ़ायदेमंद, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशे में संलिप्त पाई जाती है, गलत कामों में चली जाती है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, जो खाड़े में बच्चा आएगा वो नशा नहीं करेगा, ना फालतू झंझना पड़ेगा, सिर्फ अपनी वर्जिश करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। जो आजकल के बच्चे हैं युवा, वो नशे की लत में पड़ के जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मतलब मेरी एक ख्वाहिश है कि जितने भी अच्छे बच्चे हैं तरनताम बात है, जिनसे नशे भी लग रहे हैं, वो भी नशा छोड़ के तरनताम अखाड़े में आए और तरनताम देश का नाम रोशन करें। मतलब जी, तो अभी जो सरसों का तेल और हल्दी यहाँ पर रखी हुई है उस्ताद जी, ये दर्शकों को बताओ कि यहाँ पर क्यों रखी है, इसका क्या कुछ महत्व, अभी क्या करने वाले हो आप? हम 6 महीने में या 4 महीने में या 3 महीने में इसको 3-3, 4-4 पिप्पे यहाँ खाड़ा में गिरते हैं, तेल के और हल्दी के, मिट्टी के अंदर। अच्छा, उसके 3-4 फायदे हैं। एक तो तुम तक किसी का चोट लग जाती है नहीं, ये हल्दी और ये तेल उसका काम करता है, तो 2 दिन जोर करके वो चोट तो खत्म हो जाती है, वो दवाई का काम करती है। मतलब दूसरी है कि जो आपने पैर टेकता नहीं आदमी, वो जगह दबती नहीं है, गली उठ जाएगी तो नमता बाद फोका फोका खड़ा रह जाएगा। मतलब हैं उसको सेहत के लिए ठीक रहता है। मतलब वो जी, अरे बाकी जो उनसे कीड़े मकोड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं हल्दी से। मतलब और जो उनसे नीचे है, मतलब हमारी परंपरा भी है ये, हम कच्ची लस्सी भी गिरते हैं इसमें। अच्छा, हम तो एक मंदिर की तरह पूजते हैं खाड़ा को, मतलब जैसे मंदिर को पूजते हैं जी। तो आप देख सकते हो कि कितना देसी तरीके से अखाड़े की जो विरासत है उसको बचाने में यहाँ पर पहलवान जी लगे हुए हैं। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार पूरा दृश्य आप दिखाओ कि यहाँ पर जो जगह है इसको अकेडमी का रूप दिया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कि जगह यहाँ पर काफ़ी है, पीछे तालाब भी है, एक अच्छा व्यू भी है, और इसको आप अकेडमी यहाँ पर बनते हुए देखेंगे तो यहाँ पर बच्चे और भी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सिर्फ एक कमरा है यहाँ पर और यहाँ पर व्यवस्थित और कुछ भी यहाँ पर सुविधा यहाँ पर फ़िलहाल नज़र नहीं आती। लेकिन फ़िलहाल मैं कैमरे के माध्यम से सरकार से, अधिकारियों से अपील करना चाहूँगा कि वो इसका रूपांतरण करें, आधुनिक अखाड़ा जो चाहते हैं, जो पहलवान हैं, मैं चाहता हूँ कि इस मांग का हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर असर पड़ेगा। और मैं दर्शकों से भी चाहूँगा कि कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मांग करें, ताकि सरकार और जो संबंधित अधिकारी हैं या जो विभाग है वो जल्दी से जल्दी इसका रूप बदल सके और यहाँ पर एक अच्छी एकेडमी बन सके। मैं यहीं चंदाना गेट का निवासी हूँ और मैं अखाड़े से जुड़ा हूँ और मैं काफ़ी साल से यहीं आता हूँ, और मेरा लड़का है वो भी यहीं आता है, उसकी एक्सरसाइज कराता हूँ और कुछ मैं अपनी कर लेता हूँ शरीर को मेंटेन रखने के लिए। तो कोच साहब हैं हमारे, ये गुरु जी हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं सबको, यानी कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। ये तालाब है, ये देखिए तालाब, सॉरी पहले तालाब था, अब तो ये गंदा पानी होगा, सारा शहर का पानी यहीं पे इकट्ठा होता है, और जिसके कारण यहाँ पे बदबू और मच्छर, क्योंकि हम जो ये हमारी ये बस्ती है, जो हमारा मोहल्ला है, यहाँ पे ये बिल्कुल भी गर्मियों में यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे कोई भी यानी कि रात को आराम से नहीं सो सकता, मच्छर और स्मेल इतनी है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गंदगी और बीमारियाँ फैलती है यहाँ पे। सरकार से कुछ वो चाहते हैं कि हमारे अखाड़े का कुछ ये 4 दीवारी हो जाए और एक होल अकेडमी बन जाए, जिसमें के बच्चे यहाँ मैट पे प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि लड़कियाँ हैं वो नहीं कर सकती ऐसे खुले में, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मैट पे ही करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारी यही विनती है कि यहाँ पे एक अकेडमी का भी रूप दिया जाए, नहीं ज़्यादा बड़ी कर सकते, छोटी ज़रूर कर दें। और एक हमें छप्पर चाहिए यहाँ पे अखाड़े के ऊपर, क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ पे कम 3-3 महीने अखाड़ा बंद हो जाता है, जिसके कारण सभी बच्चे का मनोबल टूट जाता है और वो आ नहीं सकते फिर अखाड़े में।
ये हमारी मांग है कि छप्पर और चार दीवारी जरूर हो, क्योंकि ये मोहल्ला है सारा, यहाँ पे सभी दी बेटी और बहनें हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लंगोट में एक्सरसाइज करते हैं और लंगोट में एक्सरसाइज के और हमने फिर ऊपर से कैप भी डालनी पड़ती है, जिसके कारण हम कंफर्टेबल नहीं रहते एक्सरसाइज करने में। ये लगभग 3000 गज है अखाड़ा के नाम निकला, इसकी पहला सर्वे हुआ, जितने सर्वे सारे अखाड़ा के नाम है, हनुमान मंदिर व्यायामशाला के नाम। अच्छा, जितने भी सर्वे हुए हैं इसके मतलब सारे अखाड़े के नाम है। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि यहाँ सुविधाएँ मतलब खाड़े की, एक चार दीवारी हो और कोडमी अकेडमी होनी चाहिए मतलब यहाँ, ताकि जिनसे बच्चे नहीं उठे नहीं, नए तरीके से उनकी वर्जिश हो, नए तरीके से उठें वो, पहले कुछ और थे तरीके। अब तरमता बात यही है कि एक बिल्डिंग हो, अकेडमी हो मतलब यहाँ, और तरमता उसमें कम से कम 400-500 बच्चे वर्जिश करें उसका अंदर। अच्छा, कोई पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन करे हो? मैं 2 दफ़ा इंडिया में पोजिशन आई मेरी 74 किलो में, एक दफ़ा 74 में आई, एक दफ़ा 80 में आई, और जितने भी हिंदुस्तान के अच्छे पहलवान थे, जैसे जगविंदर था, करतार था, राजेंद्र था, यहाँ हनुमान खाड़ा के, मैं मास्टर चंदीराम के खाड़ा में रहा दिल्ली मतलब जमुना खंटा रहा 8-9 साल, वहीं मेरे पे जहाँ सारी स्टेटों में जाने का मौका मिला मेरे को, और सारे पहलवानों के साथ तकरीबन कुश्तियाँ हुई, ये सारा तरमता हिंदुस्तान रे गांव जानता है मेरे को, तरमता बात यह इतने अच्छे पहलवान हुए हैं, कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ 36 बिरादरी के आते हैं, कोई यहाँ बिरादरी का खाड़े में कोई बात नहीं होती, और ना करनी चाहिए खाड़े के अंदर, सारा भाईचारा होता है मतलब, और सारे को एक दिल लगा कर अपने बच्चे की तरह पालता हूँ मैं, और वहाँ बच्चे की तरह सिखाता हूँ मैं। अच्छा, तो एक भारतीय केसरी पहलवान भी निकले थे यहाँ से? हाँ, एक बैजा पंडित हो यहाँ, यहाँ भारतीय केसरी पहलवान था इस अखाड़ा का, हनुमान अखाड़ा का, इतना नाम रोशन कराया। आगे जो सरकार सुविधाएं देती नहीं मेरे को, और भी तरमता अच्छे पहलवान तैयार करके मैं तरमता इंडिया का नाम रोशन करता मतलब। अच्छा जी, आपको सुविधा नहीं मिली? बस सुविधा ही नहीं मिली मेरे को। चलो, आपने तो जैसे तैसे करके करी, पलेदारी करके आपने करी, लेकिन अभी आपने जरूरत है सरकार के? नहीं, मैं अभी सारा घर का काम ना छोड़ के मैं मार्केट कमेटी सर्विस करता था, उस सर्विस करते भी तरमता बात मैं यहाँ का पूरा देखभाली रखता था, मैं रात का खाना छोड़ देता हूँ, दिन का तरमता आराम छोड़ देता हूँ, सिर्फ खाड़े के लिए सारा को दाव पेच सिखाता हूँ मैं, और दाव पेच भगवान की दया इतने याद है, 300 दाव पेच याद है मेरा, किसी पहलवान के नहीं है इतने याद मतलब, और इतनी सुविधाएं से सिखाता हूँ मैं उसको। एक दिन बच्चा एक आ गया नहीं मेरे उसमें अंडे में, तो वो तरमता बच्चा वाकई भारत केसरी बनेगा।